सतना जिले के चित्रकूट से आई इस खबर को सुनकर आप चौंक जाएंगे और अंदर ही अंदर आपको कुछ घिन भी आएगी। दरअसल सतना जिले के चित्रकूट में सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के सौजन्य से संचालित जानकी कुंड अस्पताल में एक महिला का ऑपरेशन किया गया। उसके आमाशय से बालों का गुच्छा निकाला गया जिसका वजन लगभग 2.5 किलो है। उत्तर प्रदेश के रहने वाली 25 वर्षीय महिला के 3 बच्चे हैं, जिनमें सबसे छोटे बच्चे की उम्र सिर्फ 5 माह है, जबकि एक संतान 5 वर्ष और दूसरी संतान की उम्र 2 वर्ष की है। बताया जा रहा है कि महिला को बाल खाने की लत दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान लगी थी, लेकिन प्रेगनेंसी में कोई कठिनाई नहीं हुई। उसने इस लत के बाद 2 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन अब पिछले कुछ समय से वो असहनीय पीड़ा से परेशान रहने लगी थी। उसे उल्टियां भी होने लगी थी और डाइट भी काफी कम हो गई थी। महिला ने यूपी के बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज भी करवाया, लेकिन राहत नहीं मिली। बाद में वो जानकी कुंड अस्पताल आई, जहां सीनियर सर्जन डॉक्टर निर्मला गेहानी ने उसकी जांच की और उसके आमाशय की शक्ल ले चुके बालों के गुच्छे को ऑपरेशन से बाहर निकाला। ऑपरेशन करने वाली जानकी कुंड अस्पताल की सीनियर सर्जन डॉक्टर निर्मला गेहानी ने बताया कि इस प्रकार के जो केस होते हैं जिनमें महिलाएं बाल खाती हैं, उन्हें मेडिकल की भाषा में ट्राइकोमेजोर कहा जाता है। बाल खाने वाली महिलाएं अक्सर कम उम्र की होती हैं और साथ ही साइकेट्रिक भी होती हैं। डॉक्टर गेहानी ने बताया कि आमतौर पर इस प्रकार के अमूमन 1% मामले ही सामने आते हैं। डॉक्टर ने बताया कि पूरे जीवन में मेरे सामने इस प्रकार के कुल 3 केस सामने आए हैं, जिनमें एक 9 साल का बच्चा था, दूसरी एक 18 साल की लड़की और ये तीसरा केस 25 वर्षीय महिला का सामने आया है। महिला को दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान बाल खाने की आदत पड़ी थी। महिला अपने बालों को तो खाती ही थी, साथ ही आसपास पड़े दूसरों के बालों को भी खा लेती थी। महिला को दूसरा बच्चा हो गया, जिसके बाद उसने बालों का खाना बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद उसके पेट में दर्द रहने लगा। उसे इलाज के लिए यूपी के बांदा मेडिकल कॉलेज में दिखाया गया। डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड भी कराया, लेकिन पता नहीं चल पाया। बाद में महिला जानकी कुंड चिकित्सालय चित्रकूट आई। डॉक्टर गेहानी ने बताया कि बालों को खाने की आदत के चलते महिला का आमाशय बिल्कुल भर गया था और बालों के गुच्छे ने बिल्कुल आमाशय का रूप ले लिया था, जिसके कारण उसे लगातार उल्टियाँ हो रही थी और वो खाना भी नहीं खा पा रही थी। डॉक्टर निर्मला के अनुसार ऐसी हालत में महिला की मौत भी हो सकती थी।